मैट्रिक के इम्तिहान में मेरी मीनू पूरे जिले में अव्वल आई है। और ढोल बजा जगह वाले पुलिस ने तो हमें समझा दिया, अब हम तुम्हें समझाने हैं। एक पढ़ी लिखी माँ की एक दिन की जिंदगी एक अनपढ़ माँ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। कल बीवी गई और बच्चा भी उसके पीछे चला गया। अगर आप मेरी मदद करें तो उस गुनहगार को सामने लाया जा सकता है। तो क्या करो, इंक्वायरी बिठाओगे मुझ पर? बैठनी तो चाहिए मैडम। तो सारा कसूर अब्बे का है, किसी ने इस बदबख्त को सर पे चढ़ाया। एक मिनट में ये सारा तमाचा बंद करा सकता हूँ अगर तुम सब हुक्म करो। तेरी बैंड पूरे जिले में पहले नंबर पर आई है। अच्छा, मेरा अब्बा। खतरा तेजी से आगे बढ़ रहा है, मेरी माने भागे यहाँ से। डॉक्टर सिद्रा जैसी एक्सपीरियंस डॉक्टर से लापरवाही हुई है तो मेरी बीवी के खिलाफ इंक्वायरी बिठाना चाहते हो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल जरपत्तों का बंद के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि वो बंदे डॉक्टर मॉकिन को अपनी बीवी के कब्र पर ले जाएंगे और उसे वहां बताएंगे कि आप मुझे ये बताए कि ये कहां का इंसाफ है कि इन्होंने मेरी बीवी को बीमार डाला और उसके बाद माँ की गैर मौजूदगी की वजह से मेरा बच्चा भी दम तोड़ गया। तो डॉक्टर माफिर उसे समझाएगा कि ऑपरेशन से ये होता रहता है, उसकी जिंदगी और नहीं थी, इस वजह से मर भी है। तो वो डॉक्टर माफिर से कहेगा कि ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि असल हकीकत ये है कि मेरी बीवी का ऑपरेशन डॉक्टर सिद्रा ने करना था, लेकिन उसने ये ऑपरेशन खुद नहीं किया बल्कि एक अनएक्सपीरियंस डॉक्टर के थ्रू इन्होंने मेरी बीवी का ऑपरेशन करवाया जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। डॉक्टर माफिर जब ये बात सुनेगा तो वो भी बहुत ज्यादा ताज्जुब में पड़ जाएगा और वो भी दिल ही दिल में ये सोच रहा होगा कि आखिर ऐसी कैसी मजबूरी थी कि डॉक्टर सिद्रा ने खुद ही ऑपरेशन नहीं किया। इस वजह से डॉक्टर माफिल उसे कहेगा कि आप बेफिक्र हो जाएं, मैं इस मामले की पूरी तफ्तीश करूंगा और अगर डॉक्टर सिद्रा ने जानबूझकर ही ऑपरेशन नहीं किया तो वो इसमें बिल्कुल कसूरवार है और उसको इसकी सजा जरूर मिलेगी, मैं उसे ये सजा दिलवाऊंगा। व्यूअर्स, क्या डॉक्टर माफिल सच में डॉक्टर सिद्रा के खिलाफ खड़ा हो पाएगा? कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।